अम्मा क्या है? अम्मा मुझसे क्यों ऐसे बात करती हो हर वक्त? आपको पता है कि मेरा दिल इतना उदास और मैं अभी बीमारी से उठी हूँ। ये जो बेचारगी का लिबादा उड़ के तो फिरती है ना, ये नाकिया कर लोग जो है ना वो तुझे खा जाएंगे। माजबीन जी की तरह ना। आजकल तुझे माजबीन जी का बड़ा ख्याल रहता है, क्या चक्कर है? बस ऐसे अम्मा मैंने ना आपको एक बात नहीं बताई थी। क्या? वो उस दिन जब मैं गई थी ना माजबीन जी के यहाँ, तो शाहिद वहां पे थे ना, ये बताना चाह रही मुझको? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं भिजवाती हूँ ना, होता है वहाँ कभी कभी, मैं वहां पे होती हूँ तो काम के वाले थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे जो लग रहा है ना ये सब गलत है, तेरे दिल में जो खराफात है और शैतान जो डालते हैं ना वसवसे तेरे दिल में, बेटा सब कुछ दोनों बहुत ही शरीफ लोग है ना, शरीफ है ना, मैं तो मेरी जाहिद से मंगनी करा दो। उठ जा, तू उठ जा अपने कमरे में जा, तू नहीं रोटी खाने देगी मुझको, तेरा रोटी बंद है, उठ जा उठ जा। अरे क्या हो गया, खुद ही तो कह रही है शरीफ है तुम। आलिया उठ जा उठ जा, चली जा, तुझे आज रोटी नहीं मिलेगी, उठ जा, भूख लग रही है, उठ जा और पानी की बोतल मुझे दे के जा, पकड़ा इधर। ठीक है मैं अकेले ही खा लूंगी, दफा हो जा। तुझे क्या बताऊं आलिया, मेरी बच्ची मैं तेरे लिए क्या क्या कर रही हूँ समझ में। कर रहे हो ये? वही जो चोरों के साथ किया जाता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग मेरा खराब है? और तुम जो मोहल्ले में चोरियां डाके डलवाते फिर रहे हो, वो क्या पागल हो गए हो तुम? कौन से चोरी डाके? मैं पागल? सब जानता हूँ, ये दुकान छुड़वाने के पैसे आए कहां से तुम्हारे पास? सच सच मान जाओ, मेरा फोन तुमने छिनवाया ना, तुमने छिनवाया ना मेरा फोन? देखो विकी बहुत हो गया, छोड़ो मेरा हाथ वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। मुझे मारोगे? मेरी आलिया को बरगलाते हो मेरे खिलाफ? अगर तुम्हें वो पसंद है तो सीने ठोक के बोलो कि तुम्हें पसंद है वो। अरे क्या 10 माशूके कुर्बान कर देता तुम पे, मां कसम। लेकिन तुम बहुत ही डैश किस्म के आदमी हो, तुम औरतों को बदनाम करते हो। और वो रात को कोठियों से निकलते हो वो मालूम है? कौन सी कोठी? कौन सी कोठी? सीधी तरह मुझे मेरे मोबाइल के पैसे दे, वरना सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा मैं। क्या बताओगे? वही जो सच है। और क्या सच है? वो तो जब बताऊंगा तो पता चल जाएगा सब। मेरे फोन के पैसे दे। इंसान